हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जैसा कि फोल्डिंग स्मार्टफोन की मार्केट में हर कंपनी अपना फोल्डिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है, वही वन प्लस ने भी मार्केट में अपना फोन उतार दिया है। सो बेसिकली वन प्लस का न्यूएस्ट फोल्डिंग स्मार्टफोन वन प्लस ओपन जो कि लॉन्च हो चुका है। सो आज का वीडियो होने वाला है उसी के बारे में। सो वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट, लेट गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द लेटेस्ट वन प्लस ओपन। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में फोन है एंड वो भी वीगन लेदर फिनिशिंग के साथ में। सो बेसिकली बॉक्स के अंदर में हमें इन बॉक्स 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर देखने के लिए मिलता है और इस बॉक्स में मिलता है प्रोटेक्टिव केस, वो भी लेदर फिनिशिंग में। तो सेम फोन के कलर के साथ में ही यहाँ पर केस का भी कवर है। फोन दो कलर्स में आता है, साथ ही में कुछ डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर, और ये है चार्जिंग केबल USB टाइप A टू टाइप C। ये तो था एक मीडिया बॉक्स, लेकिन जब आप लोग फोन को बाय करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके के बॉक्स के अंदर में सारी चीजें मिलेगी जो कि रिटेल बॉक्स है। सो जैसा कि ये फोल्डिंग स्मार्टफोन है, सो अगर कंपेयर करा जाए मार्केट में लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी G फोल्ड 5 को, तो इसके कंपैरिजन में काफी सारी चीजें इसमें डिफरेंट है। जहां वन प्लस ओपन का वेट 239 ग्राम्स है, वही सैमसंग जी फोल्ड का वेट अगर देखें तो 253 ग्राम्स है। सो दिस स्मार्टफोन इज लाइटर। साथ ही में वन प्लस की जो थिकनेस है वो जहां 11.9 mm है, वहीं गैलेक्सी जी फोल्ड की थिकनेस 13.4 mm की है। सो वन प्लस ने ये पॉसिबल किया है स्मॉल हिंज मैकेनिज्म को बना करके। सो साइड बाय साइड कंपैरिजन में देख सकते हैं स्मॉल हिंज मैकेनिज्म को, इसका बेनिफिट यहाँ स्क्रीन में देखने के लिए मिलता है। तो क्रीज लाइनिंग जो बनती है वो बहुत कम बनती है वन प्लस फोल्ड में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप थोड़े से कर्व्स एंगल्स में देखेंगे एंड थोड़ा सा फील करेंगे तो आपको क्रीज फील होगा, लेकिन अगर आप फोन को कम्प्लीटली यूज करेंगे तो आपको इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि बीच में क्रीजेस बनती है। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं जैसा कि गैलेक्सी जी फोल्ड में क्रीज जो है वो क्लियरली विजिबल है, जबकि वन प्लस फोल्ड में कम्प्लीटली प्लेन स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। साथ ही में वन प्लस को आप किसी भी एंगल्स में किसी भी साइड पर रख सकते हैं एंड साथ ही में वन प्लस फोल्ड को आप किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं, फिर चाहे वो आपको खुद का वीडियो शूट करना हो या किसी भी एंगल में रख करके यूज करना हो, फोन काफी कम्प्लीटली स्टेबल रहता है। ओवरऑल फोन जो है वो एल्यूमिनियम बॉडी बिल्ड है एंड साथ ही में मैट फिनिश है। बात करें अगर स्क्रीन की तो सिरामिक ग्लास जो कि 20% मोर स्ट्रॉन्गर होता है गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स से, उसका यूज करा गया है। साथ ही में इनर स्क्रीन में 3 लेयर्स हैं जो कि अल्ट्रा थिन ग्लास लेयर, TPU एंड देन फिर स्क्रीन प्रोटेक्टर। ओवरऑल इनर डिस्प्ले साइज 7.8 इंच विद 2K AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट विद अ पीक ब्राइटनेस ऑफ 2800 निट्स। यस इट इज टू ब्राइट। सो ये आपके मूवी एक्सपीरियंस को भी काफ़ी अच्छा बना देता है। साथ ही में बेजल्स जो है वो काफ़ी नैरो है, विच इज़ गुड। अगर बात करते हैं कवर स्क्रीन की, सो ये आती है 6.3 इंचेस की 2K AMOLED डिस्प्ले, दिस इज ऑल्सो कम्स विद 2800 पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है। अच्छी बात है कि इनर एंड आउटर डिस्प्ले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, दोनों के दोनों डिस्प्ले सेम है एंड इट फील्स लाइक अ नॉर्मल स्मार्टफोन जब भी आप इसे फोल्ड करके यूज करते हो, ज्यादा बल्कि फील नहीं होता है। साथ ही में वन प्लस ओपन को 1 मिलियन टाइम फोल्ड करके टेस्ट किया गया है एंड ये आता है IPX4 वाटर रेजिस्टेंट के साथ में। सो ओवरऑल फोन का लुक अच्छा है, जबकि कैमरा बम्प जो है वो काफी बड़ा है, तो फ्लैट सरफेस में ये काफी वोबल करता है एंड फ्लैश लाइट कैमरा मॉड्यूल में सेटअप ना होने की वजह से आउट से कॉर्नर पर सेट करा गया है। सो यस, यहाँ पर हमें अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है, साथ ही में फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि इंटीग्रेटेड है पावर बटन में, साथ ही में वॉल्यूम रॉकर्स बटन है एंड टॉप में देखने के लिए मिलता है IR ब्लास्टर एंड बॉटम में मिलता है टाइप सी पोर्ट। सो वन प्लस ओपन में मिलते हैं 3 स्पीकर सेटअप जो कि फील करता है क्वाड स्पीकर सेटअप की तरीके से। सो 2 स्पीकर्स आपको बॉटम में मिलते हैं, 2 स्पीकर टॉप में मिलते हैं, लेकिन बॉटम में केवल एक ही स्पीकर वर्क करता है। सो पढ़ते हैं इसके सॉफ्टवेयर की तरफ, तो ये आता है ऑक्सीजन 13.2 विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 जो कि अच्छा है, काफी तरीके से मैनेज कर लेता है इस फोन को। सो इनर स्क्रीन में एक अच्छा सा लाइव वॉलपेपर आता है जो कि स्क्रीन के मूवमेंट के साथ में एडजस्ट करता है। साथ ही में सिंपली आपको जो भी एप्स यूज करनी है जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। जनरली आप नॉर्मली जब भी आप स्मार्टफोन्स में स्क्रीन स्प्लिट का यूज करते हो तो आप वहाँ पे 2 एप्लीकेशन को ही यूज कर पाते हो, बट यहाँ पर आप 3 एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर सकते हो विच इज प्रेटी गुड। सो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कैसे स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं विद यूज ऑफ 2 फिंगर्स। ऑल्सो मिनी विंडो का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है देखने के लिए, साथ ही में सेटिंग्स में जाकर टास्क बार को भी कम्प्लीटली कस्टमाइज किया जा सकता है। तो ओवरऑल ऑक्सीजन
जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस फोन को मैनेज करता है यूज करने के लिए। तो ये OnePlus Open आता है लेटेस्ट Snapdragon Gen 8 2 की चिपसेट के साथ विद 16GB LPDDR5X RAM एंड 512GB UFS 4.0 स्टोरेज के साथ में। तो डेफिनेटली गजब के स्पेक्स है इस स्मार्टफोन की कैटेगरी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंचमार्क टेस्ट एंड साथ ही में CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है वो सारे ग्रीन है, विच इज प्रीटी इनसेन। गेमिंग टेस्ट के दौरान फोन स्लाइटली हीट होता है बट ओवर हीट नहीं होता है, जो कि एक अच्छी बात है। विदाउट एनी लैग गेमिंग एक्सपीरियंस यहां पर देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं बैटरी सेगमेंट की, तो इसमें मिलती है 4800 mAh की बैटरी जो कि 67 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि इनबॉक्स 80 वॉट का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है जो कि डिवाइस को 12-100% चार्ज कर देता है विद इन जस्ट 38 मिनट्स, विच इज प्रीटी फास्ट। ओवरऑल 6 आवर्स प्लस का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलता है हैवी गेमिंग मल्टीटास्किंग के दौरान में। तो बात करते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप जो कि हेजलब्रैंड ब्रांडिंग के साथ में है। सो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का सोनी न्यू पिक्सल स्टैक्ड विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर। सेकेंडरी 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है विद 3x ऑप्टिकल जूम एंड थर्ड कैमरा है 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो कवर डिस्प्ले में है 32 मेगापिक्सल का सेंसर जबकि इनर कैमरा जो कि आता है 20 मेगापिक्सल कैमरा का। सो यहाँ कुछ सैंपल्स है जो कि आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो रियर कैमरा से आप वीडियो शूट कर सकते हो 4K 60fps तक, वही फ्रंट कैमरा से जो शूट कर सकते हो 4K 30fps तक। सो बात करते हैं कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की, तो दिस फोन कम्स विद ड्यूअल सिम स्लॉट विद ईसिम सपोर्ट, 5G के 19 बैंड्स मिलते हैं, वाईफाई 7 एंड ब्लूटूथ 5.3 विच इज लेटेस्ट। तो डेफिनेटली OnePlus का फोन जो ये है काफी जबरदस्त है एंड इन्होंने आप काफ़ी अच्छा काम करा है इन्होंने अपने फर्स्ट फोल्डिंग स्मार्टफोन की। बट वहीं बात करेंगे इसकी प्राइस सेगमेंट की तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, विच इज़ लाइक 1,39,990। सो कमेंट जरूर करें एंड शेयर करें अपने थॉट्स इस OnePlus स्मार्टफोन के बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेक श्योर टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।